से करें बातें के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। आज तो मानना तुसी आए हो, मैं लगा लोकल गुजर आया कोई। आज तो मैं तो ऐ लगा जी मैं कराटे वाली वर्दी पा के आ गया। अच्छा कलर क्यों नहीं पहन रही आजकल? इसलिए कलर नहीं पहन रही कि आप लोगों को कलर्स का पता तो चलता नहीं है। क्यों एडा मुश्किल से मना सीख लिया? पस्तियाचियो बॉटल ग्रीन भाई। मैंने प्लेन कलर्स पहने हैं, प्लेन ड्रेसेस पहने हैं, ब्लैक व्हाइट ब्लू रेड। तो आप लोगों ने देखे हुए हो, आप लोग फेमिलियर हो, आपको पता हो कि कौन सा कलर है। आहिस्ता आहिस्ता यानी जी, या चिट्टा सूट ना पाया कर या साढ़े शहर ना आया कर। तो बुला ले अपने मेहमानों को। बुलाऊंगा। हमारे आज के पहले मेहमान नून लीग के रुकने असेंबली है, तशरीफ लाते हैं जनाब मियां नसीर साहब। मियां साहब कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। मियां साहब बड़े बड़े गेस्ट आए ने सीढ़ियां, तो जिड़े तुसी तेज आए हो ना, पता लगा है कि आजकल नून लीग पूरी फॉर्म च हैगी। बस हालात दा तकाजा है ही है जी, टाइम घट है ते काम ज्यादा है, इस करके भज भज कर रहे ने। नून लीग की आजकल आनियां जानियां ही देखो। बस हाथ नहीं पै रहा जिवें तेरे वाला नु नहीं ना पैंदा पापा। हमारी आज की दूसरी मेहमान एक खूबरू एक्ट्रेस एंड मॉडल है, तशरीफ लाती है रेचल गिल साहिबा। Lovely as always. Thank you. Assalamualaikum जी। Assalamualaikum। रेचल ते आई है, माना मैंने इंजे लगा जिवें शहंशाह फरीदी आ गया। दम 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 दम। भाई इसको कहते हैं पर्सनालिटी, इसको कहते हैं क्लास, इसको कहते हैं ऑरा। अरे ओ वाह। इन सारी चीजों का मतलब कल समझाऊंगी। इसको कहते हैं ऑरा और इसको कहते हैं बोरा। और ये बैठा है मेरा सौरा। तशरीफ लाते हैं डमी म्यूजियम से छोटे मियां साहब और बड़े मियां साहब। ये साहब आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, क्या वजह है? पासपोर्ट बन गया। वो तो बना हुआ है, पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई, आज कुछ ज्यादा मुस्कुराते हुए आप आए हैं। कल के खुश रहे जेड़े छोटे मियां साहब ने बड़े मियां साहब बन गए ने, बड़े छोटे मियां साहब बन गए। नहीं बोल रहे हो, मैं बर्फ लेना है। मियां साहब आज मैं श्रीनी मंडनी है, तुसी इनियां पौड़ियां उतर के आ गए। मियां साहब एक महीने की हुकूमत में आपकी जमात इमरान खान की 4 साल हुकूमत की जो गैर मकबूलियत थी उससे भी ज्यादा गैर मकबूल हो गई है, क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत का? अच्छा जी अभी तो अब 4 दिन हुए हैं मैं आए, अभी तो हमारा जो हनीमून पीरियड है वो चल रहा है, तो इसलिए अभी मार्जिन मिलना चाहिए। मार्जिन नहीं ले रहे अभी, ज़रा टाइम है, अभी को 3-4-6 महीने गुजरने दें, इंशाल्लाह उसके बाद बताएंगे। और अभी जो आपने कहा गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट तो बनी नहीं है जी, अभी तक तो उन्होंने वो मैं ना मानूँ की रिट डाली हुई है, और वो ज़हनी तौर पर हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं। अभी तो उनके मिनिस्टर्स ने मिनिस्टर्स हाउस पे कब्जा किया हुआ है, वो नहीं छोड़ रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ें अभी उनके पास हैं। ये जवाब ज़रूर देंगे कि इस वक्त कितने वो मकबूल हैं और कितने हम हैं, क्योंकि देखें अभी जब उन्होंने अमेरिकन कार्ड का चूरन अभी तो वो बेच रहे हैं, अभी जब उन्होंने हलकों में जाना है फिर लोगों को जवाब देना है कि इस शहर की पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है, तो उसके जवाब तो अभी उन्होंने देने हैं, तो वो पता चलेगा जब अभी ये हल्का वाइज वो निकलेंगे। इन्हें पहले नून लीग वाले कहते थे हमें हुकूमत से क्यों निकाला, आप कहते हैं हमें हुकूमत में क्यों डाला। तो बाबे का ताने मीने वाला अंदाज बहुत जहर लगता है, मुझे यकीन कर चल इंज कर लड़ जाती है अगले बंदे को। जहर लगना तो तू जहर का टीका है तेन, अपनी बुढ़ी को जुतियां पी मौजी बस वह दिल कर रहे। मैं पूछा मैं क्यों मारती, कहती मेरी यही तफरी है। बाबा डॉक्टर जाके कहता जी मैंने भुलन की बीमारी है, डॉक्टर कहता फीस दे कि भी ना भूल जी। रेचल बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह अभी रिसेंटली आपकी शादी हुई। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि एक सेलिब्रिटी लाइफ को छोड़कर हाउसवाइफ बनना कैसा लग रहा है, और इतनी लाइमलाइट को छोड़कर घर में एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हैं, आप हाउसवाइफ हैं। इसके अलावा मुझे ये भी बताएं शादी हुई कैसे, क्या लव मैरिज थी? ऑब्वियसली लव मैरिज थी, और आप जो कह रहे हैं ना कि शादी करके सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वॉज ऑन अ ब्रेक,
जो क्योंकि शादी के बाद आपको ऑब्वियसली अपनी थोड़ी लाइफ एडजस्ट करनी पड़ती है, बट मैं काम कर रही हूँ और करती रहूंगी इंशाल्लाह, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू। और अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये भी एक, दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ लाइफ फॉर अ वुमन, जो शादी करना बहुत एक जरूरी होता है। बिल्कुल, वो कर ली, अब मैं उसके साथ अपनी दोनों जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से इंशाल्लाह मैं निभा रही हूँ और आगे भी निभाऊंगी। तो क्या फैमिली सपोर्टिव है, हस्बैंड सपोर्टिव? बिल्कुल, देखिए हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर तो हो भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और टचवुड, आई एम बीन लकी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई ऐसा कोई रुकावट नहीं डाली किसी चीज में। बट ऑब्वियसली एक तरीका होता है आपका, थोड़ा सा वे ऑफ लुकिंग चेंज हो जाता है काम की तरफ, आप कुछ चीजें अपना टाइम के साथ मैनेज करके करते हो, वो कर रही हूँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट, मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम एंजॉयिंग। चलें, ग्रेट, वी आर हैप्पी। रेचल, अपनी शादी की स्टोरी सुना दो, किस तरह मुलाकात हुई, किसने पहले प्रपोज किया, मोहब्बत का इजहार किसने पहले किया? ऑब्वियसली उधर से ही हुआ था, और थ्रू कॉमन फ्रेंड वी मेट। अच्छा। और उनका यही था कि मतलब फर्स्ट डे पे ही प्रपोज मी डायरेक्टली, ऐसा कुछ जी, उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने मुझे शादी के लिए ही प्रपोज किया था। एंड मुझे शॉक लगा, मैंने कहा इतनी जल्दी, आई डिडंट नो यू। और थोड़ा सा होता ना, आप किसी को जानते हो, थोड़ा सा समझते हो, लेकिन आई थिंक जब आपकी जो एक किस्मत में होता है वो अच्छा ही होता है अगर आप उसको, बिल्कुल बेशक। तो इस तरह से हमारी मुलाकात हुई, फिर शादी की बात, फिर फैमिली तक, और फिर आज इट्स ऑल डन माशाल्लाह। सेम स्टोरी विद मी, मैंने भी फर्स्ट टाइम अपने उसको कहा था कि मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ, कहती है भाई मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। रिजल तेरी शादी हो गई है जी, चंगा फिर मैनू इजाजत दियो। शादी हो गई तो मैं पाकिस्तान आने का की फायदा, पाकिस्तान ना आने का बहाना लभदे हो। और हीरा की तारी मेहरबानी भी है, सब इजाजत ना देना, इन्होंने जो इजाजत दी बड़ी दूर गए, दोबारा नहीं आते। मैंने मैं लाहौर के दो ही शेवा पसंद है, कौन सी? एक लाहौर के खाबे, एक रिचल। आपको रुकने का तो किसी ने भी नहीं कहना, देखिए आपके एमपीए भी नहीं कह रहे, जिंदगी रोती है, तू इज्जत रखनी साडी। रिचल गिर सानू शुरू तो बड़ी पसंद, पाकिस्तान की कौमी मॉडल लाना चाहिए, रोज लाइकिंग चेंज होती। मियां साहब कल मैंने कहना मैं वे पावे बड़े पसंद ने, अज रिचल लगे गल की। मियां साहब, हमने आपको बुलाया था कि कोई मुल्की मामलात पे आपसे बात करेंगे, आप तो रेचल के मामलात पे बात करना शुरू हो गए। बात उन्होंने की करनी, जलसे नहीं रुकन दे, गल केड़ी करिए, उन्होंने की गल करनी, उन्होंने घरेलू हालात खराब ने। रेचल वाज माय क्रश, इना ने आजी आई एम ट्रू। अब आपका ये जो क्रश है ना, ये बुरी तरह क्रैश हो चुका है, क्योंकि शी इज मैरिड, माशाल्लाह, हैप्पीली मैरिड। ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੋਚਨੇ ਆ। ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ। ਓਏ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਓ ਬਾਬਾ। ਬਾਬਾ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਾ ਹੈ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਜਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਛੋੜ ਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਬਾਤ ਸੱਚ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਚੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਲਾੜਲੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ ਲਈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਚੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾੜਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਤਾਏ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ? ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਚਲ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਾਰਹਾਨਾ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਪਕੀ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਵੋ ਮਫਲੂਜ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਵੋ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੈਸੇ ਇਨ ਚੈਲੰਜਸ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਕੈਸੇ ਇਨ ਚੈਲੰਜਸ ਕੋ ਫੇਸ ਕਰੇਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੋ ਯੇ ਕਿ ਜਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਪ ਜਾਰਹਾਨਾ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਕੀ, میرا خیال ہے یا شاید وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں ہے بلکہ بظاہر تو وہ پاکستان کے خلاف ہی جا رہی ہے، اور ہمارا چیلنج ان کی یہ جلسے جلوس نہیں ہے، ہمارا چیلنج فوری طور پہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے۔ 7 مہینے تسی عدم اعتماد کی کوشش کرتے ہو، ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਡਏ? 7 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕੈਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ IMF ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਗਏ ਤੇ ਆਹ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ IMF ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਆਵਾਮ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ IMF ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਕੋ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦੀਏ, ਨਾ ਆਪ ਲੋਗ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਹੈਂ ਨਾ ਆਪ ਲੋਗ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਹੈਂ।
अब आप लोग क्या करेंगे? नुकरे लगाया हुआ, हम उनसे इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्होंने क्या नुकरे लगाना है, 4.25 साल 22 करोड़ आवाम बेचारी नुकरे लगी हुई है, तो इंशाल्लाह जल्दी इनको रिलीफ मिलेगा और वो हमारी सूरत में मिलेगा और हम ही देंगे इंशाल्लाह उनको। तुसी कित्थे रिलीफ देना, ये तो सरकार थोड़ी अपनी हुकूमत नु साह नहीं आउंदे आ। एक इत्तेहादी नु मनाउंदे हो तो दूजा नाराज हो जांदा। एक गल तो ठीक है, आपने एक को मनाते हैं दूसरे का इशू, दूसरे को मनाते हैं तीसरे का इशू, लेकिन ये भी एक जमहूरियत की खूबसूरती है जी कि PDM बनी है, इतना बड़ा इत्तेहाद बना है, उस इत्तेहाद ने भी साथ चलना है और हुकूमत को भी चलाना है और पाकिस्तान अवाम के मसाइल भी हल करने हैं। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, शबाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार तुसी तकड़ी च डड्डू पा बैठे हो, एक ना एक तो विचों पुड़क ही जांदा जी। ऐसे ये मिसाल गलत साबित होएगी जी, क्योंकि उन्होंने तकड़ी वड्डी ले लेनी है, डड्डू छाल मार के भी अंदर ही है। हमजा साहब CM बन गए ने, फिर भी नाल दे बंदे नु कौन ही मार के पुछदे ने ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਕਲਿਆ, ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡੇ, ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਸ਼ ਗਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਇੰਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਜਾਦਰਾ 7 ਕਲੱਬ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਭਲਾ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ। ਰਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਿਹਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੋਹਰਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰਾ ਕਢਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੋਹਰੇ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪਾਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ। ਲੱਕੇ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ, ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਚੂਨੇ ਚ ਕਾਂਪ ਦੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਮੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨੀਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਲੀਏ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਕ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਹੀ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨਮਕ ਹਰਾਮ। आपने तो कहा था मैंने अपने पास मईशत के माहिर बिठाए हुए, ये तो जुगतों के माहिर लग रहे हैं। इन्हें जी गल पता की है, ज्यादातर टाइम जो कॉमेडियंस नाल ही गुजरता जी इन्हों का, वो मईशत के माहिर नाल ते बंदा आधा घंटा गल करे 6 दिन चक्कर नहीं जाते बंदे। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले ये मिले थे ताहिर अंजुम और सखावत नाज से, अभी आजकल में ये मिले हैं अदनान सिद्दीकी से। हमने पिक्चर्स देखी हैं, बड़ी वायरल हुई हुई है सोशल मीडिया पर। देखे ना ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ। ਭਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਫੈਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕੇਸ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਲੜ ਵੀ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਲੇ ਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਇਹ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਹਰ ਤਰਫ ਮੌਤ। ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਜਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋ ਪੁਸ਼ਪਾ ਫਿਰ ਭਾਗ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਬੂਵੇ ਅੱਗੇ 100 ਢੋਲ ਵੱਜਾ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਈ ਵਾਲੋ ਕੁੱਕੜ ਕੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ। ਢੋਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਢੋਲ ਇੰਜ ਵੱਜਾ, ਲੜਾਈ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਢੋਲ। ਉਹ ਢੋਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜਾਓ ਵੀ ਆਪ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਬਤਾਏ ਅਦਨਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸੇ ਆਪਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੈਨ ਨੇ। ਕੌਣ ਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਲੋਗ? ਐ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਾ ਕਾੜੇ ਅਲਜੀ ਪਈ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਔਰ ਬੇੜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਲੈਂਜ ਕਰਕੇ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਚੂਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੂਹਾ। ਚੂਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਪੈਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਮੁਲਣ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਘੜੀ ਵੇਖਦਾ। ਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਊਂ? ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਮ ਹੋ ਦਾ ਸੀਕੁਅਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਮਾਇਓ ਸਹੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਓ ਸਹੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੀ ਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ? ਬਾਬਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਅੱਗੇ ਬੋਤਲਾਂ ਕੱਪ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। मियां साहब मेविश का रोल किससे करवाएंगे? रेचल से। रेचल आप इंटरेस्टेड हैं मेविश का रोल प्ले करने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नो, बिग नो, कोई जरूरत नहीं। मियां साहब उन्होंने कैरेक्टर प्ले करने के लिए भी बिग नो बोल दिया। उन्होंने रोल नहीं मना नहीं किया, उन्होंने मियां साहब ने मना किया। एक्चुअली नहीं मानदी तो छोड़ो, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਮ ਵੀ ਕਿਨੂੰ ਗੈਟ ਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਡਰਾਮਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੀਟੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਰਿਚਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? And you're right back after the break. You're watching Taro Se Karein Baatein. Rachel, हमारे सुनने में आया है कि आप एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट करने जा रही हैं, बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हैं, उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। जी बिल्कुल, मैं करने जा रही हूँ कराची, एक प्राइवेट पैनल है और प्रोडक्शन भी प्राइवेट ही है जिनके साथ मैं कर रही हूँ, और उसमें फिल्म के एक्टर्स हैं और टीवी के एक्टर्स हैं, क्योंकि अभी इट इज़ लाइक अंडर प्रोसेस चीज़ें चल रही हैं, तो अभी मैं बाकी नाम वगैरह रिवील नहीं कर सकती, पर इंशाल्लाह आप जब देखेंगे तो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट और एक बड़े बजट के काम आ रहा है, सो अच्छा मज़ा आएगा। और आपका अपने कैरेक्टर के बारे में भी बात करना चाहेंगे? अभी नहीं, मेरा कैरेक्टर एक तो बहुत ऑपोजिट है जो मेरी पर्सनैलिटी है। और मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई कैरेक्टर करने जा रही हूँ, और मैं चैलेंजिंग है और मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैंने कभी एक्टिंग इतनी सीरियसली किया नहीं है, मैंने थोड़ा सा एक्टिंग मॉडलिंग की तरफ ज़्यादा रही, तो अब मेरा पूरा फोकस कॉन्सेंट्रेशन मेरी एक्टिंग की तरफ है, और मेहनत बहुत है लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। और मेरा जो कैरेक्टर है इसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वुमेन का, जो एक सोसाइटी में अपना, जिसे कहते हैं ना, अपने रूल्स पे, अपने नॉर्म्स पे रहती है, और इस तरह की चीज़ों पर फोकस रहेगा। मतलब बड़ा इम्पैक्टफुल है वो, एक जो टिपिकल होता है ना आजकल जो चल रहा है कि मज़लूम औरत, लड़की और परेशान और ये, उससे बहुत डिफरेंट है। औरत की मजबूती, उसका स्ट्रॉन्ग विल दिखाया है, और एक पॉजिटिव इमेज डेफिनेटली पॉजिटिव ही है, बट डिफरेंट पॉजिटिविटी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है ना। पॉजिटिविटी का मतलब सिर्फ बेचारा होना या अच्छा सोचना या पॉजिटिव, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो आप। Exactly. अगर आप पॉजिटिव हो वो आपको ज़्यादा मजबूत करती है, तो वही मेरा कैरेक्टर है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। मैं भी ये न्यूज ब्रेक करना चाह रहा था कि उसमें हीरो आपका बाबा है। कहां इशारों तो फिल्म शुरू होनी है तो इशारों दे मुकी है। बाबा मेन टाइटल कर रहे हैं बाहुबली च, दूजा पार्ट बन रहे हैं ना बाहुबली का, और जो कुटप्पे दी गर्दन लथनी दे दी। हां वो तो सिना कटप्पा इस फिल्म जगह स्यापा, और बाबा वो करैक्टर एक्टर लोग ने देखना, तू तो घर बोले तो बाबू ने चुप करा देंगे, चुप कर जा तेरा करैक्टर ठीक नहीं है। ना बोलिया कर, कावां दे तजुर्बा करके नाकाम होने वाले। बाबा तू हाथ में जोड़ चार पैसे जोड़ के अपने टेस्ट करा। हीरो हीरोइन की बात हो रही है, तुसी किथे हीरो होना, घर दे विच रिश्तेदारी दे विच गल हुंदी होवे तुहानू वैसे ही बाहर कढ देंदे। ख्यालों ख्यालों में कहां पहुंच गया हूं, स्विट्जरलैंड आपकी मेरी, वो शूटिंग हो रही है। आखरी रसूमात ही होनी है, तेन कि सुनेगा शूटिंग उत्ते होंगी है, तेरी बारी लोग मिट्टी पा जाने। बाबा तेरे भी शूटिंग हो गई, अस भी कटिया बल खावांगे। रिचल ईफल टावर पे हमारी आपकी शूटिंग होगी, हेलीकॉप्टर से हम उतरेंगे। ये चल जी, ये ना बैठा हेलीकॉप्टर से, बाबा ढाड़ी ने उत्ते जाके पखा बंद कर दे। नहीं बाबा पखा नहीं बंद करता। क्यों? उन्हें कहना वाल उड़ दे। इन्हें हेलीकॉप्टर एक मिनट दे वेजे पहाड़ च मरवा लेना। वो क्यों जी? इन्हें पायलट उन्होंने कहना इधर मोड़ लो, इधर मोड़ लो, इधर बारिश हो रही है। मैं ख्यालों में कहां पहुंच चुका हूं, तुम्हें क्या पता? तेनों नहीं पता तू हकीकत च कित्थे पहुंच जाना, सिर्फ महीना डेढ़ महीना टाइम है तेरे को। ख्यालों में जिथे भी जाना जा, लेकिन मकान का किराया देके जाई। आप तो निकल जाना मुड़ के, अगला तेरी जान रोंदा रहिंदा। नाले बाबा ख्यालों में कितने भी जा सकता जी। मैं ख्यालों में वहां बैठा हूँ, हाय हाय, कि मैं रिचल का घूंघट उठा रहा हूँ। अच्छा घूंघट चुक दे, इन्हें चपेट पखानी है। रिचल को इन्हें कहना
ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਬਚਣਾ ਉਹਨੇ ਗੱਠਾ ਬਾਬਾ ਇਸ ਉਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘੁੰਗੜ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਣੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਔਰ ਇਜਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਪਹਿਨਾ ਰਹਾ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਉਹ ਬਵਾ ਸੀਰ ਦੇ ਛੱਲੇ ਵੇਚਣਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਿਚਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਲੈਣੀ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿੰਨਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਟਿੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਟਿੰਡ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਡਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਟਿੰਡ ਕਰੀ ਦੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਟਿੰਡ ਕਰਤੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਰਿਸ਼ਵ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਪੇ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੱਥੋਂ ਮੇ ਹੱਥ ਡਾਲ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਵੇਂ ਡੱਡੂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇਰੀ ਬੋਹ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੁੜਕ ਫੁੜਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟੀਟ ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੋ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਏ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਹੱਲ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਪਾਏਗੀ ਇਹ ਆਪਨੇ ਠੀਕ ਕਹਾ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਔਰ ਉਨ ਚੈਲੰਜਸ ਮੇ ਸਭ ਸੇ ਔਰ ਉਸ ਬੜਾ ਚੈਲੇਂਜ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾਦੀ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋਈ ਉਨਕੋ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇਕਤਦਾਰ ਮੇ ਆਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਕਤਦਾਰ ਮੇ ਆਏ ਔਰ ਵੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਦੂਰ ਕਰੇਂਗੇ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਦੀਓਂ ਕੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਕੀ ਔਰ ਸਕੂਨ ਸੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਕਭੀ ਵੀ ਸਕੂਨ ਕੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੜਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੋ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ ਉਨਕੋ ਬਤੌਰ ਚੈਲੰਜ ਲੈਤੇ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਓ ਕਰਮ ਸੇ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਕੋ ਵੋ ਜਬ ਕਬੂਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਉਸ ਪੇ ਫਤਹ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਹਮਕੋ ਹਮ ਹੱਲ ਕਰੇਂਗੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕੋ ਹੱਲ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤੋ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਕੇ ਪਾਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਯਹੀ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਕੌਮ ਕੇ ਪਾਸ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਵੀ ਨੇਕ ਹੈ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮਾਜ਼ੀ ਕਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਮਸਾਇਲ ਪੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੀਅਤ ਵੀ ਨੇਕ ਹੈ ਮਾਜ਼ੀ ਕਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਕੋ ਜੋ ਆਪਕੋ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਨੇ ਠੀਕ ਕਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸਮੇ ਜੋ ਆਜ ਕੀ ਹਮੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਬੜੀ ਮੈਚੋਰ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਵਾਏ ਇਕਤਦਾਰ ਕੇ ਔਰ ਉਨਕੋ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਇਕਤਦਾਰ ਮੇ ਆਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹਮੇ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕੇ ਲੀਏ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਕੌਨ ਸੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਬੁਨਿਆਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਜਾਏਂਗੇ ਐਸੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਂਗੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੋ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬੜਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਨ ਪੇ ਹਮ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹਮੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਔਰ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਟੀਮ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਚਲੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਰਦੇ ਵਾਹਿਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਬ ਸਭ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਨ ਹਾਲਾਤ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਹਮਨੇ ਇਸਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਬਰਾਏ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਕ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਕੇ ਹੈ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਮਾਯੂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਫਸਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਅਬ ਹਮਨੇ ਇਸਕੋ ਨਿਕਾਲਨਾ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਤੀ ਖਿਆਲ ਮੇ ਆਜ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੈਟਅਪ ਮੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੌਮ ਕੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਮਸਾਇਲ ਸੇ ਨਿਕਾਲੇਂਗੇ ਰੇਚਲ ਹਮਨੇ ਸੁਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਥੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਪਲੇ ਕਰਤੀ ਥੀ ਤੋ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਮੇ ਕੈਸੇ ਆਈ ਇਸ ਸਫਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਵੀ ਬਤਾਏ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਰਮਰ
अच्छा। अभी भी आई कैन प्ले ड्रम्स, तो मैं ड्रमर थी इन अपनी फैमिली का, हमारा एक ग्रुप था सेवन स्टार के नाम से जी। जब 90s में एक लाइव बैंड का एक कॉन्सेप्ट था जी। सो मेरी फैमिली में, आई एम ब्लेस्ड विद अ फैमिली जो इस इंडस्ट्री में म्यूजिक से भी, मेरी बहन भी, तो जबरदस्त वो मेरे अंदर आप कह सकते हैं ब्लड में था, इनबिल्ट म्यूजिक इनबिल्ट था। तो मुझे ड्रम की तरफ मेरी अट्रैक्शन थी। अच्छा। तो मैंने वो सीखा भी इस तरह से, मतलब मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे उसमें ट्रेनिंग दी। फिर उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज उस वक्त ये कॉन्सेप्ट एक लड़की का ड्रमर होना ही अपने आप में एक बड़ा अजीब चीज़ थी। तो वो फिर इसको मैं परसू नहीं कर सकी। फिर मॉडलिंग में आ गए और इस तरह से, बट अभी भी एक वो म्यूजिशियन का एक है शौक, शौक है वो, टैलेंट इन बिल्ट, टैलेंट इन बिल्ट है वो, आप भूल नहीं सकते। जब एक कोई म्यूजिशियन जब एक इंस्ट्रूमेंट सीखता है वो आई थिंक फॉर लाइफ आप नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। जैसे तो रिचल जी ਤੁਸੀਂ ਡਰਮ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾਇਆ ਚਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਉਸਕੇ ਉਸਕੇ ਡਰਮਸ ਕੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਡਰਮਸ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ ਖਾ ਵੀ ਡਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਲੋਕ ਕਾਲਾ ਡਰਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਅਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਾ इंडिया में है जो ये इस तरह के डब्बे और जो टीन के टेबल्स और उस तरह से भी म्यूजिक, टेबल पे भी म्यूजिक है। टेबल नु छड्डो, साडे बाबे दी टिंड बड़ी अच्छी बजदी है गांधी जी, और ड्रम नु अच्छा साउंड आंदा है ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੜ ਡੜ ਹਾਂ ਇਹ ਜ ਮਾਰੋ ਟਿੰ ਟਿੰ ਇਹ ਬਾਤ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਲਾ ਨਾ ਡੜ 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 ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਤ ਤੇ ਆਈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਡਰਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮ ਵਿੱਕੀ ਹੈ ਓਏ ਓਏ ਆ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ इतने ज्यादा सियासी और मौशी जो है मसाइल हैं, कैसे निपटेगी नून लीग इस सारे बुहरान से, क्या फॉर्मूला है आप लोगों के पास? नैडा कादी टेंशन तू लई सानू भी घबरा पाया तू आगे सोच सोच के तेरा कद उठ ही रहे। देखिए ये मसाइल ऑलमोस्ट दुनिया के अंदर और भी हैं, पाकिस्तान में बिलखसूस ज्यादा है, बट ये नहीं है कि अब इन मसाइल का अंबार हम देख के घबरा जाए या हम सोचे कि इन्हें कौन करेगा। मैंने पहले भी कहा मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। ये एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, इस आवाम के अंदर अवेलेबल जो लीडरशिप है उन्होंने इन मसाइल को हल करना है। हम जो आए हम कोई बहाना नहीं तलाश कर रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि बहुत नहली और बदयानीति की बुनियाद पर इस मुल्क को चलाया गया और एक मसाइल से भरा हुआ पाकिस्तान हमारे हवाले किया गया जी। हम ये समझते हैं कि जो भी इस पाकिस्तान के इसके साथ हुआ हमने अब आगे बढ़ना है, इस मुल्क के मसाइल को हल करना है और इंशाल्लाह हम मसाइल हल करेंगे। बाहर से आगे किसी ने हमारी मदद नहीं करनी, ना किसी ने हमारे मसाइल को हल करना है जी। इस मुल्क के अंदर अच्छा है या बुरा है इस मुल्क की के लोगों ने इसके साथ करना है, इस मुल्क की सियासी पार्टियों ने इसको बेहतर करना है, चाहे वो हम है या कोई और है। सो इसलिए हमें यकीन रखना चाहिए कि जिस तरह इससे पहले 2013 से 18 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क को बनाया संवारा, अब हमारी मुस्लिम लीग नून की या शबाशवी साहब की जो सियासी तारीख है उसको देखें तो इस मुल्क के अंदर मेट्रो, मोटरवे, स्कूल, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम इस मुल्क की जो तरक्की है वो इसी पार्टी और इन्हीं शख्सियात की ज़ात के साथ जुड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह यही लोग दोबारा आएंगे, आए हैं और यही इन मसाइल को अब हल करेंगे। तो बेफिक्र रहें, जल्दी आपको इस मुल्क के मसाइल हल होते हुए नजर आएंगे और दोबारा एक शाइनिंग पाकिस्तान आपको इंशाल्लाह नजर आएगा। बस्ता रह शजर से उम्मीद है बहार रख, 1000 रुपया मैं तड़को लिया सी है 500 रख। इना जी मिन तक पौने 4 हफ्ते लग गए तो मैं नहीं पा देनी जे, तो पिछले 6 हफ्ते आज क्यों नहीं पाई? वो तो पाए ने नहीं मेनू हिलण देता, कहंदे पहले मेरी गल सुन के जा। तो क्या बात सुनाई है इन्होंने? ओही हरकतां जड़ी गल्ला तो असीं इन्हां नू मना करदे रहे आ ओही कहंदे तू कर हुण। क्या वो हरकतें? लड़ाई झगड़ा लोकां ना भरा जी, तरीफा जिदियां मर्जी मेरे को करवा लो, लड़ाई नहीं जे मैं किसे ना करनी। लड़ाई करना भी ना मिंगे साहब, 452 दा पर्चा बहुत पैड़ा हुंदा। आ मैं लंगी नू पर्चियां दा दस रहा, केड़ा पर्चा जेड़ा मेरे ते नहीं होया? और आखे ते केड़ा टेस्ट जेड़ा तुहाडा नहीं होया, मेडिकल सारे होए, तुहाडा मैथ दा पेपर नहीं होया तदे तुसीं मनी ट्रेल नहीं दे रहे। मलंगी तेरी कोई गल भी नहीं चंगी, मलंगी पर लंदन जाके इन्नी तंगी इन्हें जी अपने एक सूद है जेड़ा अगे आए खड़का दो, या आप है नहीं या अगला है नहीं बस आप ही अगला हैगा वा आप है नहीं फिर मगरों ले जो तीन खून दे प्यासे हो। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वॉचिंग तारों से करें बातें।
मियां साहब, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि कोई भी बंदा पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर सकता। अब मुझे ये बताइए कि पंजाब हुकूमत का क्या फ्यूचर होगा? अच्छा जी, कौमी असम्बली में तो चूंकि उनके वोट डाले नहीं गए, तो उन पर मेरा नहीं ख्याल इस पर इतलाक हो। अगर हो भी तो उसके अलावा हमारे पास अक्सरियत है 175-76 की मुकम्मल है। और रही सूबे के अंदर, तो सूबे में भी अगर वो 25 या 26 वोट नहीं भी काउंट होते तो हाउस के अंदर जो अवेलेबल गिनती है टोटल मेंबर्स की मौजूद हैं उसके अंदर अक्सरियत देखी जाएगी, तो वो भी अक्सरियत हमारे पास है, उस पर भी इशू कोई नहीं। चलें, वी विश यू ऑल द बेस्ट। इनाजिया देखिया जे, मैं क्यों नहीं कोई काम कर रहे हैं? 1.5 महीने तो हथा दे हथ रख के बैठा जी, बताएं क्यों नहीं कर रहे काम? मैं क्या पहले इस निजाम का फैसला तो हो जाए, ये चलना के इलेक्शन होना है। तुसी कल्ला ही अपने हथा दे हथ नहीं रखे, तुसी दूजियां दे भी हथा दे हथ रखे, किसी ने भी नहीं करन देंदा है। मैं तो सोच रहा कि जिन्ना साढ़े को थोड़ा टाइम है ना, उसी थोड़े दावे भी घटा लिए। उसके बाद लोग कहते ये भी क्या, ये भी क्या, ये भी क्या। तू ये क्यों नहीं सोचता कि गोरा रंग करने वाली क्रीम बनावा? यार मैं 2-3 बार बनाई है, क्रीम फर्क पै गया, मैनू नहीं पिया। रेचल जी, हमने भी ये सुना है कि आप भी कुछ लॉन्च करने का सोच रही हैं, अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर रही हैं, उसकी भी थोड़ी सी क्रीम तो बिल्कुल नहीं कर रही हूं। दैट्स फॉर श्योर। केस करके क्रीम नहीं याद कर गया, सारी क्रीमें होते फेल हो चुकी हैं। ऐसा कुछ नहीं, बट मैं क्लोथिंग लाइन में जाऊंगी। अच्छा। और वेस्टर्न, क्योंकि हमारे यहाँ ईस्टर्न बहुत ज्यादा है, प्रेट बहुत ज्यादा है, वेस्टर्न टॉप्स या वेस्टर्न ड्रेसेस जो हमारे जनरेशन में बहुत ज्यादा इन हुआ है, जो पहनना चाहते हैं, यहाँ मिलते भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर हैं भी है कुछ आउटलेट्स तो बहुत एक्सपेंसिव है या फिर बहुत कॉमन डिजाइन है, तो एक्सक्लूसिव नहीं है कुछ। तो वो मेरा इंशाल्लाह प्लान है इन फ्यूचर कि मैं अपने माय नेम मैं करूंगी डेफिनेटली। जबरदस्त, सिंस आपका अपना स्टाइल सेंस भी बहुत अच्छा है, फैशन सेंस बहुत अच्छा है, तो आपको तो जरूर लॉन्च करना चाहिए। क्योंकि मुझे आई थिंक इसके बारे में मुझे नॉलेज भी ज्यादा है, और बिजनेस वो ही करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और नॉलेज हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक रिस्क लेते हैं। एग्जैक्टली, तो मैंने कहा कि ये मेरा। रेचल, कभी ऐसा हुआ कि अपने खुद से कोई टॉप वगैरह स्टिच करवा लिया हो वेस्टर्न में, कुछ मैक्सी, कुछ ड्रेस डिजाइनिंग खुद की और टेलर को कहा मुझे स्टिच करके दे दो? है ना, वेस्टर्न में तो ऑब्वियसली डिजाइनर्स के साथ काम किया, तो उन्हीं के कट्स बहुत ज्यादा आप पहनते हो, उनसे सीखा भी है। वैसे से मेरा मेहदी, मोहम्मद मेहदी जो है डिजाइनर मेहदी, वो मेरा फेवरेट है, और उसके वेस्टर्न कट्स मुझे बहुत पसंद है, तो कभी हो तो मैं बनवा लेती हूँ। लेकिन नॉर्मल बताना किसी को बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक आपको पता है डिजाइनिंग की भी एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज होती है जो आपको समझानी पड़ती है। तो एक कहता आपकी चॉइस पे बहुत डिपेंड करता है, आपकी चॉइस कैसी है, वो मेरी अपनी होती है, बट कट्स वगैरह मुझे इतना भी सेंस नहीं है, बट आई एम स्टडिंग ऑन इट, और मैं डेफिनेटली उसको आगे। अच्छा, वी आर वेरी ग्लैड दैट यू आर स्टडिंग ऑन इट, मतलब प्रॉपर एक रिसर्च होगी, आप प्रॉपर उसके बारे में पढ़ेंगी, एंड देन यू विल स्टार्ट योर ओन क्लोथिंग लाइन। आप ब्रांड लॉन्च करें, आपका सबसे पहला कस्टमर मैं हूंगा। बोरी का ब्रांड नहीं है मेरा, पढ़ी लिखी कुड़ी है ना, गुफ्तगू में ब्रांड इतने वेखो वेली है, जुगत कर करके घर टुर जाए, पैसे भी लाई जाए, एक्टर भी वेच जाए, पैसे भी लाई जाने, सीरीज लेना बोलना। मियां साहब, मैं आपको कुछ खसूसियात बताऊंगी, आपने बताना है कि किस सियासतदान पर ये फिट बैठती हैं। चक्करबाज इमरान खान, इमरान खान। रंगबाज शहबाज गिल, शर्मीला हमजा, हमजा हमजा शहबाज, हमजा शबाशी, शरारती शेख रशीद साहब, शरारती कहते हैं शेख रशीद साहब, भगोड़ा मैडम फरज, नालायक मान बुजदार जी, फिर उस्मान बुजदार साहब, बदतमीज कौन है सबसे ज्यादा मियां साहब? मुराद सईद, मुराद सईद, जोकर फयाज चौहान कर लो जी, बड़े फयाजुल हसन चौहान साहब। ओके रेचल, मैं नाम लूंगी, आपने उनको एक जुमले में डिफाइन करना है। फिर से जी, फिर से गुड गुड, आई विल ट्राई टू बी सेफ जी। शेख रशीद साहब, मैं तो उनको टीवी पे जो देखती हूँ वो मुझे लगता है वो उनको शिकायत ही रहती है सबसे, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है उनको। चलें, आई गॉट माय आंसर, मुझे लगता है आप कहना चाह रही हैं कि बहुत ज्यादा शिकायती हैं। हाँ, मुझे लगता है उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है सबसे। शहबाज शरीफ साहब, मुझे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन हिम, बट अब जो चल रहा है मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा विद द पीपल, अवाम से इंटरेक्शन नहीं कर रहे, मुझे लगता है वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं। हालांकि घबराना नहीं, घबराना नहीं है, आप उनको ये मैसेज देना चाह रही हैं कि वो घबराए हुए, उन्होंने घबराना नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि अभी वो सब चीजों को समझ रहे हैं शायद, इसलिए।
आमिर लियाकत, मैं यही कहूंगी कि चौथी ना करें जिंदगी बचा दें किसी की, मशवरा ना दो, तीजी ते पुरबाश हो गए नहीं वो नहीं हुए, अब चौथी कोई ना फंस जाए बस। इमरान खान साहब जल्दबाज थे, जल्दबाज। हुमायूं सईद, ग्रेट एक्टर, ग्रेट एक्टर। अदनान सिद्दीकी, माय फेवरेट, योर फेवरेट। फहद मुस्तफा, वेरी एनर्जेटिक, उनकी मुझे एनर्जी बहुत पसंद है स्क्रीन पे एंड ऑफ स्क्रीन भी, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक और जैसे होना चाहिए आपको एक जो आपका इंडस्ट्री में आपको जिस तरह होना चाहिए, तो ही इज़। अरे वाह, एनर्जी ऐसी आती है, मेरे बारे में जी पूछो, पूछते नहीं ठहर जाओ, कोई बीमारी वाला सवाल आ रहे हो। आपका तो आते ही पूछ लिया था, वो तो बहुत रिलक्टेंट है आपके बारे में बात करने में, लेकिन फिर भी चले मैं पूछ लेती हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब, ये वाले जी ये वाले ना, टॉक टू माई हैंड, टॉक टू माई हैंड, बारे पूछो तो जवाब दो, चंद सांस जी, रेचल यू प्लेड फाइनली, आई प्लेड इट। और अब जानते हैं निर्मल अली के पास क्या अजीबोगरीब खबरें हैं। जी निर्मल, गोरिल्ला को भी स्मार्टफोन की लत लग गई, शिकागो में चिड़ियाघर के इंतजामिया परेशान। एक गोरिल्ला हूं अपनी तस्वीर भी बांदरिया नु व्हाट्सएप करता हूं। तो बाबा जी तुसी क्यों फोटो व्हाट्सएप कर रहे हो बांदरिया नु? मेरे ख्याल बाबा जी वायरल होना चाह रहे हैं ना बाबा जी। तेरी फैमिली नु करन दे ने, होश खा, गैरत खा। मैनू की लगे मैं केड़ा घर, मैं तो बाहर बैठा है। ओ गैरतमंद नहीं जरूरतमंद है। ते चंपैजी दा फोन लेना केड़ा कोई वड्डी गल्ल आ? क्यों जी, आ 2 साल तो अजीम भी की लेके फिरन दे आ। तेनू मैं तकलीफ हुई जमे मौदा लेके फिरन दे, मैं अपना लिया है। शाह खान ने भी स्मार्टफोन लिया ते पहली बैली लवा ली। केड़ी? मियां साहब ने भी स्मार्टफोन लिया। अच्छा, ते सारा दिन ये सोचते रहते ने यार किन्नू करां जेड़ा चुक लवे अगों। ने किसी ने नहीं किया, शाम को फोन चुकया गया। जदों उन्होंने स्मार्टफोन लिया, इन्हें सारे MNA ते MP रात को फोन बंद करके सौन लग। वो क्यों? क्योंकि UK ते इतों दे टाइम दा बड़ा वड्डा फर्क है। हाँ जी, ये रात को 2-2 बजे फोन करते थे, क्यों भाई कैसी तकरीर की थी तुहाड़े भरा ने। अगला बंदा कहता तकरीर दा तो पता नहीं, तकलीफ तुसी बहुत अच्छी दी इस वेले फोन करके। विक्की साहब दसो ना, तुसी भी स्मार्टफोन लिया? स्मार्टफोन वाले ते केस करता। क्यों? ओ तेनू जुर्रत किवें होई तू साडा फोन ले लिया ताडे ब्रांड दा? अजीम विक्की ने ना स्मार्टफोन लेके अपने बच्चियां नू वीडियो कॉल कीती, ते एदे बच्चियां ने खप आ दित्ती, अम्मी जी मोबाइल च भी बारह लिया शैवां आ गईयां जे। ओई बच्चे दी मां ने वेख के फोन सुट्टो, किसे ने साडे ते टूना करता जे। राशन कमाल ने भी अपने बच्चे नू कॉल कीती, इहदी बुड्डी ने फोन बंद करा, कहिंदी बंद करो, इन्ने बड़े पैसे लाके वेखण की डे। अगली खबर, बरतानिया की मकामी अदालत ने मर्दों को गंजा कहना जिंसी हरासानी करार दे दिया। उन बड़ी दुनिया फड़ी जानी, PTI वाले दे अद्धे ट्यूटर फड़े जाने जेड़े मैंने गंजे गंजे दी पोस्टा पाउंदे ने। ला ते मियां साहब UK बने है। मैं भी UK रहना, मैं केड़ा गज्जू मते रहना। एक दौर सी जदों तुसी आवाम दे दिल च रहंदे सो, अजकल मैं अपनी औकात च रहना। तुसी नहीं रहंदे, उन्होंने औकात च रखिया सानू। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਵਨ ਫੀਲਡ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਚ ਰਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ PTI ਦੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਟਿੰਡੇ ਹੀ। ਪਾਪੇ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਵਿਗ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੁੱਲੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਲੋ ਵਾਲ। ਓਏ ਹੋਏ, ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਬੀ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪੱਟੇ ਆ ਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗ ਪੱਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਗੰਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੰਜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣ? ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਫੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਨਾਈ ਦੇ ਪੀਪੇ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗਈ। ਕਿਹੜਾ? ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਜਫੀਆਂ ਪਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਹੀ ਵਾਲ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼, महबूबा से मुलाकात के लिए भारतीय लड़के ने पूरे इलाके की बिजली काट दी। सेम स्टोरी अजीम विक्की वाली। हेलो, ये भी बत्ती बंद करता हूं दस। ए बत्ती बंद भी नहीं करता, फिर भी नजर नहीं सी आउंदा। अजीम विक्की भी बत्ती काट के अपनी मशूक नु मिलन गया, ओ इहदे तो भी काली सी, दोवें नहीं एक दूजे नु लब्बे। राशिद ने भी पूरे इलाके की बत्ती बंद कर, मैं उन्हें पूछा तू भी मशूक नु मिलन जा रहा? कहिंदा नहीं, जदों साडे घर दी लाइट नहीं आंदी, दूजियां दीयां बत्तियां क्यों बलन? राणा ने पूरे इलाके की बत्ती कट दी। ਰਾਣੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਨੇਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਵੇਖੀ ਮੇਰੀ ਘੜੀ 'ਚ ਲੈਟ ਬਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਜਨਰੇਟਰ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਬਾਹਰ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਦੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਚੱਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ।